Chief Minister Arvind Kejriwal recently said that if Aam Aadmi Party comes to power in Gujarat, then he will give all the cattle shelter owners in the state an upkeep allowance of rupees 40 per day per cow, like they do in Delhi. But in the national capital, the tussle between the AAP and the BJP has left the cattle shelters feeling abandoned. Constant sparring between the AAP-led Delhi government and MCD-controlled BJP over the pending dues, insufficient funds and increasing cost of the upkeep of cattle shelters means that the owners are facing an uphill task. Today we are going to visit Shri Krishna Goshala in Northwest Delhi's Bhavana and Southwest Delhi's Dabar Hari Krishna Goshala in Surera to see the ground realities. हमारी गौशाला का नाम डाबर हरे कृष्णा गौशाला है और ये करीबन 26 साल से हम गौशाला चला रहे हैं और इसमें 24 एकड़ ज़मीन है। हमारे पास लगभग 5000 के लगभग गाय हैं, जिनमें ज़्यादातर जो एमसीडी से पकड़ी हुई बीमार अपाइज जो रोड पे घूमती है पन्नी खाई हुई वही गाय हमारे पास आती हैं। और कुछ गांव वाले जैसे बुजुर्ग गाय हैं, कुछ हम भी जो एक्सीडेंटल गाय हमें पता चलता है तो हम भी ले आते हैं। ये गौशाला का स्टार्टिंग जो है 1995 में हुआ था, 13 गोवंश से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ये गौशाला बढ़ती चली गई, आज की तारीख में यहाँ पे 8500 गौवंश हैं जिनका रख रखाव पूरा यहाँ पे खाना पीना ऐसे वातावरण में यहाँ हमारे शुद्ध वातावरण में हो रहा है। यहाँ पे हमने अलग अलग टीमें रखी हुई हैं, हमारे पास करीब 300 वर्कर्स हैं जो उनकी सेवा करते हैं और जो भी गांव से या आसपास के लोग हैं, जैसे किसी को बच्चे पैदा होते हैं गाय के, मेल जितने भी होते हैं मेल्स को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं या रास्ते में छोड़ जाते हैं एमसीडी के क्षेत्र कार्य क्षेत्र में और दिल्ली के कई क्षेत्र में जहाँ जहाँ गायों को किसी का एक्सीडेंट होता है वो सब गाय रक्षक दल लेके आते हैं। There are two out of the total four government affiliated shelters in the city, all of which are running beyond capacity. They are supposed to receive rupees 40 per cow per day, rupees 20 each from the Delhi government and MCD. However, this hasn't been happening. एक गाय के प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 123 रुपए का खर्चा आता है। 123 रुपए, जिससे लगता है कि करीब 8 लाख से ऊपर हमारा रोज का खर्चा है। इसमें हमारे हॉस्पिटल का खर्चा है, हॉस्पिटल की टीम है, दवाइयों का खर्चा है, हमारे पूरे स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है और जितने स्टाफ हैं इनकी जो भी पे सैलरी वगैरह उसका खर्चा भी इसमें शामिल है। हमको दिल्ली गवर्नमेंट से फंड्स तो आ रहे हैं, करीब करीब लगातार आ रहे हैं, पर एमसीडी में किसी कारणवश फंड्स हमारे कई 3-4 साल से नहीं आ रहे हैं। उनको भी हमने अप्रोच किया हुआ है, देखो वहाँ से भी कुछ फंड रिलीज होगा तो अच्छा होगा। हमें एमसीडी जो अपने पशु छोड़ के जाती थी, हाईकोर्ट ने 2007 में इनको ऑर्डर किया था कि भाई इनको कुछ मदद दी जाए, क्योंकि ये आपकी गाय को रख रहे हैं तो इनको मदद मिले। तो उस दौरान 20 रुपये एमसीडी और 5 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट देगी। बाद में 2011 में शीला दीक्षित जी ने 5 से 15 रुपये करके 20 रुपये कर दिया उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो ये तो 40 रुपए मतलब। हाँ, कुल 40 आपको ये पर गाय का मिलता? हाँ, पर गाय का मिलता है, लेकिन एमसीडी हमें 2018 से हमारा पैसा रुका हुआ है 20 रुपए के हिसाब से। सबसे बड़ी आज हमें जो समस्याएं आ रही हैं, अगर ये हमारा पैसा टाइम से दे देते, जैसे भूसे की खरीद के टाइम, तो उस दौरान हम भूसा 600 रुपए में मिलता था, आज हमें भूसा 1600 रुपए में भूसा मिल रहा है। तो हमें महंगाई का भी पूरा सामना करना पड़ रहा है और गायों की भी देखभाल और इनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो बड़ी सारी मेरी नहीं, सभी गौशालाओं की हालत बड़ी नाजुक चल रही है ग्रांट के कारण।
Though the shelters are using donations to make their ends meet, the increasing cost of upkeep of homes for rescued cows, which are not otherwise profitable, is leaving them under heavy debt. आज की तारीख में भी हमको आसपास के जितने भी गांव वाले हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनका कर्जा हमारे सिर पे है, पर हमने इनकी सेवा पूरी करी है। उनकी जो देनदारी है अभी भी हमारे पास 5 करोड़ के आसपास लोगों का पैसा हमको देना है। उसमें हम तूड़ा भी खरीदते हैं, क्योंकि हर चीज़ खरीदी जाती है, हरा चारा भी है, तूड़ा भी है, दाना भी है, और भी जो भी रख रखाव के लिए, गाड़ियों की व्यवस्था के लिए, बिजली का, सब सब बाजार से खरीदा जाता है। तो ये सब पैसा जो है हमारे ऊपर अभी कर्जा है गौशाला के ऊपर, जो कि हमको देना है अभी। उधार पे माल मंगाना पड़ता है और इससे उधार पे मंगाएंगे तो महंगा मिलेगा, और उधार पे भी कब तक ले, ये देखो ना, उधार पे भी हम कब तक ले। तो ऐसा कभी हुआ है कि पैसे ना, फंड्स होने की वजह से थोड़ा सफर किया है गायों ने, मतलब कोई? नो, वो तो गायों के लिए तो हमने, जब एक चीज़ का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी गाय भूखी ना रहे, ये रोड़ों पे ना घूमे, ये पन्नियाँ ना खाँ, वो तो अपना दे, उसके लिए हम कुछ भी कर सके हैं, और उसका पैसा हम समाज से जुटाते हैं। The print found that the government funds were only meant for the 4 government affiliated shelters and not the large number of shelters run by the people. One such shelter owner told us about why they wouldn't want to become what they call sarkari. एक प्रोग्राम होता है जनवरी के महीने में, 6 तारीख से 18 जनवरी तक। उसमें जो अपने गांव, 130 गांव जो जुड़े हुए हैं, वो अपने गांव से साल में एक बार 6 जनवरी से 18 जनवरी तक चंदा इकट्ठा करके वो यहाँ पर देते हैं। वो तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास या 2.5 करोड़ के आसपास हो जाता है। ये प्राइवेट संस्था 130 गांव जो जुड़े हुए हैं उन्हीं की देखरेख में चलती है। ऐसी सिचुएशन में तो मुश्किल है सर, आगे मैम चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गौ माता के लिए एक तो नई जनरेशन को जागरूक करना चाहिए गौ माता, लेकिन सब कहते हैं हिंदू धर्म में तो गौ माता है, लेकिन वो तो किसी पंडित जी वगैरह बताते हैं, जब भी कुछ उपचार करते हैं, बाकी अपनी श्रद्धा, एक श्रद्धा भाव जगानी पड़ेगी।